Hey guys, what's good? It's Vadan Zee. Hi, I'm back at the game with a new video. So, आज का vlog बहुत ही bomb बना हुआ है. Even मैंने आप पहले ट्रेन में शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और मुझे वहाँ पर vlog करने मिल नहीं रहा था. एंड आप लोग देख सकते हो ट्रेन का शूट जो आगे लाइन में आएगा. सो आप लोग देख सकते हो वो शूट बहुत गंदा रश था. तो अभी हम लोग फाइनली नासिक आ चुके हैं. नासिक से हम लोग जाएंगे त्र्यंबकेश्वर. जो शिव जी का ये जो ज्योतिर्लिंग पता है सबको, ज्योतिर्लिंग तो 12 ज्योतिर्लिंग में से ऊपर ज्योतिर्लिंग है शिव जी का. सो आप वहाँ पे जा रहे हैं. एंड आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार है, बहुत बॉम होने वाला है. सो वही जाते आगे हम देखते क्या होता है आज का वीडियो. हम बस का सफ़र आपको पता है कैसा होगा और कैसा नहीं. सो वही जाते आगे हम देखते. सो ओके ऑलराइट डूड, 2 घंटे बस में सफ़र करने के बाद और 3 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में. एंड यहाँ से अभी और 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस है. और यहाँ पे का एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, मतलब बहुत गंदा था. ये मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है. लाइक मैं गुजरात भी गया था तो मेरे को इतना गंदा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, लेकिन यह बहुत गंदा एक्सपीरियंस है. सो आप लोग मेरे फेस पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा डल एंड बहुत ज़्यादा ये हो रहा है. सो त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो आप लोग पता है ज्योतिर्लिंग का जो 12वां पार्ट है उसमें का एक ऐसा पार्ट है, लाइक 8 नंबर का पार्ट त्र्यंबकेश्वर है. एंड आप लोग को मैं यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा मंदिर पे पहुँचने के बाद. सो वही पहला तो मंदिर जाते हैं एंड पहला शिवजी से मिलते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा एंड मंदिर भी एक्सप्लोर कराऊंगा पूरा. सो वही मिलते हैं आगे, देखते क्या होता है वीडियो. So, आप लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग ये क्या बोलते हैं शॉप्स है छोटे छोटे. एंड आप लोग यहाँ पे ले सकते हो टी शर्ट्स वगैरह. एंड मेरी शक्ल बहुत अजीब लग रही होगी, शक्ल पे मत जाओ. आप लोग वीडियो देखो, वीडियो का एंजॉय करो. एंड अपन जैसे मंदिर के अंदर एंट्रेंस एंटर करते हैं वैसे मैं आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूँ. सो वही हम लोग आज पूरा त्र्यंबकेश्वर का दर्शन पूरा हो चुका है. फाइनली मैंने पूरा यहाँ का दर्शन ले लिया. एंड यहाँ की प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही पीसफुल प्लेस है. एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के लिए. और इवन मेरा स्टैंड जो है मेरे बैग में. एंड यहाँ की मैं बताऊँ, जब ये प्लेस ऐसा है ना, और ये प्लेस नासिक में, नासिक से मैं आप लोग को बताऊँगा. डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है कि मैं कैसे आया, क्या आया और कितने प्राइस में आया. सो वही आप लोग को वीडियो कैसा लगा मेरे को बताना. सो मिलते आगे.
सो भाई आप लोग यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में पवित्र कुंड में आ सकते हो। ये आपको यहाँ से पीछे साइड आओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग चेक करो। एंड यहाँ पे आप लोग पवित्र कुंड में आके नहा सकते हो एंड बहुत सारा सब और यहाँ के नेचर एंड ब्यूटीज़ आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा प्यारा एंड बहुत ज़्यादा नेचर्स की लाइक बहुत सारे प्यारे प्यारे लोकेशंस एंड बहुत सारे हमारे कल्चर के हमारे कल्चर्स के बारे में आप लोग और ज़्यादा जान सकते हो यहाँ पे आके। सो ही जाते आगे देखते क्या करते वीडियो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं त्र्यंबकेश्वर की मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो इन्फॉर्मेशन लाइक ये अपने नासिक स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर है एंड आप लोग यहाँ पे आने के लिए बस या ऑटो आप लोग प्राइवेट ऑटो कर सकते हो या बस कर सकते हो, लाइक आपके ऊपर डिपेंड हो आप क्या करते हो। एंड इससे आपका कुछ बस का 140 हम लोग को दो जन आए थे तो 140 हुआ हम लोग का। सो आप लोग आपका डिपेंड करता है आप कितने जन आ रहे हो और किसके साथ आ रहे हो। सो वही सो आप लोग को रूम भी यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, इवन 600, 500, 400 तक आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम 500 और 700 के बीच में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे फुल डिस्काउंट वाली प्राइस है एंड बजट फ्रेंडली आपको रूम्स भी मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे बजट फ्रेंडली रूम मिल जाएंगे। एंड यहाँ का आज का वीडियोस बहुत अच्छा था एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर न्यू दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियो, वे इफ यू आर न्यू दिस चैनल सो कर क्या रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं अपने ऐसे ब्रांड न्यू ब्लॉग्स के साथ। सो